हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लास 11 की फिजिक्स पर हम बात कर रहे हैं, वेक्टर में हम बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था स्टूडेंट, किस पर बात किया था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें मिस हो गया था, वो भी आज नोट करके हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहां पर हमने 5 डिस्कस किए थे, तो पॉइंट नंबर 6 है ये। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ही पॉइंट नंबर 6 है ये, क्या है स्टूडेंट, कहीं भी 1 cos θ आ जाएगा, 1 cos θ आ जाएगा तो तुरंत आपको लॉक कर देना है 2 sin² θ/2। कहीं भी 1 cos θ दिख जाएगा, 2 sin² θ/2 लॉक कर देना आपको। और स्टूडेंट अगर कहीं पर 1 cos θ दिख जाए तो उसको 2 cos² θ/2 से लॉक कर देना है। ओके बच्चों, और अगर कहीं पर sin θ दिख जाए स्टूडेंट तो 2 sin θ/2 एंड cos θ/2 से हम लॉक कर देंगे। ओके ये बात अब ध्यान रखनी है स्टूडेंट, क्लास 11 के स्टूडेंट जिन बच्चों ने मेडिकल में एडमिशन लिया है, मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये फॉर्मूले लर्न करने, क्योंकि क्लास 11 में है ये, 10th की ट्रिग्नोमेट्री में नहीं थे। जो नॉन मेडिकल के लिए उनके लिए तो आसान बात है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। ओके बच्चों, लेकिन फिर भी चाहे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो या मेडिकल के, ये फॉर्मूले रट के रखे गए आप तो स्पीड अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट। मैंने आपको बार बार एक बात बोली है, रटना बहुत जरूरी है, समझना ठीक है, फील करना ठीक है, लेकिन रटना उससे भी ज्यादा जरूरी है, स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही टॉपिक नंबर 10 में ही ये फॉर्मूले भी आपको नोट कर लेने हैं और इनको लर्न करना है। ओके अब हम आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे, आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आज का, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप स्टूडेंट, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन आप देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या है स्टूडेंट, करें कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स, स्टूडेंट क्या करें, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। स्टूडेंट कह रहे हैं कि टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए, स्टूडेंट कह रहे हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है उसका नाम बता दिया ए, एंड मेक एन एंगल, एंगल कितना बना रहा है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि थीटा विद ईच अदर, एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं स्टूडेंट, विद ईच अदर एक दूसरे से थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। Find the magnitude and direction of the resultant. Okay, student. Find the magnitude and direction of the resultant. Okay, student. तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और स्टूडेंट मैं एक बात आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले याद दिला दूं, पैरेललोग्राम लॉ में हमने देखा था कि दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का √p² √p² + q² + 2pq cos θ। स्टूडेंट ये फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का, ये फॉर्मूला था। ओके मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला था। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हियर, आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि P का जो मैग्नीट्यूड है और Q का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड गिवन है, कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। तो स्टूडेंट यहां से एंड एंगल जो है थीटा है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप देखो रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा, यहां से आपको देखना है स्टूडेंट, दैट मींस पी की वैल्यू ए स्क्वायर, क्यू की वैल्यू भी ए स्क्वायर, पी क्यू का मैग्नीट्यूड ए है, एंड टू पी की वैल्यू ए इंटू ए, एंड एंगल कितना है स्टूडेंट, कॉस थीटा है, एंगल थीटा ही है। ओके प्यारे बच्चों, ओके तो अब हम देखते हैं यहां से कितना हो जाएगा,
रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। स्टूडेंट 2a स्क्वायर को हम अगर बाहर लाएं रूट 2a स्क्वायर को, तो अंदर रूट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। रूट में क्या बच जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा। और ध्यान देने की बात है स्टूडेंट की, ये जो a स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, a रूट 2। और स्टूडेंट आज ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में फॉर्मूला बताया 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos² θ/2। और स्टूडेंट यहां से कितना हो जाएगा, रूट टू मिलके 2, ए तो पहले से ही बाहर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट ये लो आप रिजल्टेंट रेडी है, स्टूडेंट ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। करें स्टूडेंट, टू वेक्टर्स इक्वल हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर, तो कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की अप्रोच किया और आंसर आ गया। एंड स्टूडेंट डायरेक्शन बताना है, क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है स्टूडेंट, तो डायरेक्शन का भी तो हमारे पास फॉर्मूला था। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, सिंस tan alpha इक्वल टू q sin theta डिवाइडेड बाई p प्लस q cos theta। स्टूडेंट ये फॉर्मूला किसका था, डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos θ। एंड डायरेक्शन का फॉर्मूला था जहां पे अल्फा क्या था, डायरेक्शन बता रही थी, दैट इज tan अल्फा इक्वल टू q sin θ/p + q cos θ। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप लोग डायरेक्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, q का मैग्नीट्यूड कह रहे हैं कि कितना है, a sin थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट a प्लस a cos थीटा। स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, यहां पे क्या हो जाएगा, a को जैसे ही कॉमन करेंगे a से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी sin थीटा और नीचे कितना 1 प्लस cos थीटा। और स्टूडेंट आज ही इससे रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला बताया sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा का, क्या फॉर्मूला बताया, साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया 2 sin θ/2 एंड cos θ/2 एंड डिवाइडेड बाय 2 cos²θ/2। स्टूडेंट यहां से 2 से कैंसिल, एक cos से कैंसिल, तो साइन बाय cos क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर tan अल्फा इक्वल टू tan, साइन बाय cos क्या होता है तो tan θ/2। तो स्टूडेंट डायरेक्शन मिल गया, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई टू। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड भी हमें पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, दो फोर्स के रिजल्टेंट की बात की थी इन्होंने, दो वेक्टर के रिजल्टेंट की बात की, तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम से डिराइव्ड फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से हमें अप्रोच करना है, बिल्कुल इधर उधर कहीं नहीं भागना है। ओके अब क्लियर है आपको स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कहां से हमने उठाया, ये क्वेश्चन एस सी वर्मा साहब की बुक से है। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स की मानी जानी बुक, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी और एस सी वर्मा नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ी, एस सी वर्मा साहब की बुक का ये क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। बिल्कुल क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर हमने बात कर ली है, क्वेश्चन नंबर 1 से हमें ये पता चला स्टूडेंट कि उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a cos θ/2, और जो डायरेक्शन होगा वो जो एंगल है थीटा उसको बाइसेक्ट करते हुए, थीटा बाई टू का मतलब बाइसेक्ट करते हुए रिजल्टेंट पास करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर हमने बात कर ली बच्चों, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पर हमने बात की, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, हमने बस फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो फॉर्मूला हम जानते थे उसी का यूज कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं स्टूडेंट, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कह रहे हैं कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फाइव यूनिट्स हैव एन एंगल 60 डिग्री स्टूडेंट क्या है हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ
फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, ऑफ द वेक्टर्स, सम ऑफ द वेक्टर्स, सम ऑफ द वेक्टर्स. एंड सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स. ओके स्टूडेंट, तो हम इन क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों. तो ध्यान से देखने की बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी. तो स्टूडेंट देखो आप क्या है यहां पर कह रहे स्टूडेंट, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैविंग फाइव यूनिट. कह रहे हैं कि स्टूडेंट यहां से ये बात तो हमें कंफर्म हो गया कि जो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं इसमें P और Q दो वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट इज 5 यूनिट. स्टूडेंट कितना है वो 5 यूनिट. एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा इज 60 डिग्री. तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, देखो आप कह रहे हैं कि दो वेक्टर के हमने सम किया है, कह रहे हैं ये अगर हम ये वेक्टर एज्यूम कर लें P, ये वेक्टर एज्यूम कर लें स्टूडेंट P, और ये वेक्टर एज्यूम कर लें Q, ये वेक्टर एज्यूम कर लें Q, तो स्टूडेंट P प्लस Q इसका मैग्नीट्यूड बताना है हमें, P प्लस क्यू इसका मैग्नीट्यूड बताना है स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड बताना है. और इसी को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में कर लें स्टूडेंट तो ये क्या होगा, ये क्या होगा माइनस क्यू, माइनस क्यू वेक्टर होगा ये, और इसका ये जो ये आएगा स्टूडेंट ये क्या आएगा, ये P माइनस क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड बताना है. ओके प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखने की बात क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट ध्यान से देखने की बात क्या है, ये जो एंगल है करें, ये जो एंगल है वो थीटा है स्टूडेंट, ये जो एंगल है वो थीटा है, ये जो एंगल है वो थीटा है. तो स्टूडेंट ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा. ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा. थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री. ओके प्यारे बच्चों, तो देखो आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो आप इजीली हम अप्रोच कर पाएंगे. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट क्या बताना है, P प्लस क्यू का हमें मैग्नीट्यूड बताना है. स्टूडेंट P प्लस क्यू का मतलब क्या, रिजल्टेंट R, रिजल्टेंट R, उसका तो फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला जानते हैं हम, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर P प्लस Q स्क्वायर एंड प्लस 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा. PQ की वैल्यू गिवन है 5, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 एंड 2 5 जा 10 5 जा 50 एंड cos 60 डिग्री. स्टूडेंट कितना, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट आप जानते हो ये कितना, 50 प्लस 50 एंड स्टूडेंट कितना, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, तो यहां से ये 25 हो गया, तो रूट 75. स्टूडेंट कितना आ गया, रूट 75, दैट मीन्स 5 रूट 3. स्टूडेंट कितना आ गया, जो एडिशन का कह रहे हैं कि उनके सम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 5 रूट 3 यूनिट्स. ओके स्टूडेंट 5 रूट 3 यूनिट्स. एंड अब हमें क्या पता करना है बच्चों, डिफरेंस के बारे में पता करना है, डिफरेंस के बारे में पता करना है. बी पार्ट क्या करना है, पी माइनस क्यू. स्टूडेंट पी माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड पता करना है, दैट मींस अगर हम प्लस क्यू को माइनस क्यू से रिप्लेस कर दें तो स्टूडेंट क्या होगा, यहां पर पी का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर, माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं स्टूडेंट, क्या ले रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है इन टू वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड है ये टू वेक्टर्स का, ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट आपको. और कह रहे हैं कि कितना कॉस, स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, पी और माइनस क्यू में जो एंगल है वो कितना है, पी और माइनस क्यू में जो एंगल है स्टूडेंट वो है पाई माइनस थीटा, दैट मींस 120 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री. तो आप उसी तरीके से लिख लो आप 180 माइनस थीटा. स्टूडेंट कितना लिख ले रहा है इसको हम, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60 डिग्री. ओके प्यारे बच्चों,
तो स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये कितना होगा, ये भी 25 और ये भी 25 और ये कितना स्टूडेंट, यहां से भी कितना आएगा, यहां से 50। और ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा का मतलब ये माइनस कॉस 60, वो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। तो स्टूडेंट इस 25 से ये 25 कैंसिल और हमें मिल गया 5 यूनिट्स। कितनी वैल्यू मिल गई बच्चों, 5 यूनिट्स हमें पता चल गया। कह रहे हैं कि अगर हम डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो 5 यूनिट्स आएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी अभी दो क्वेश्चन पर हमने बात कर ली है, दो क्वेश्चन पर स्टूडेंट हमने बात कर ली है, स्टूडेंट टू क्वेश्चन पर हमने बात कर लिया है। तो यहां से हम देखेंगे स्टूडेंट, अभी अभी मैंने आपको दो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर किए स्टूडेंट की कैसे होगा ये, दो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, इतनी बात स्टूडेंट धीरे 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 हमें एक एक बात समझनी है। आज मैंने आपको दो क्वेश्चन अभी अभी बताया जिनमें हमने क्या देखा, वो जो पैरेललोग्राम से हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला फाइंड किया था, उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट वो दोनों फॉर्मूले माइंड में बैठा लो आप, बिल्कुल एकदम माइंड में बैठा लेना आपको, उसी से हम आगे बढ़ने वाले। ओके प्यारे बच्चों, ओके ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट। ये टू क्वेश्चन जो आज मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में तो इजी बात थी, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में भी कोई बात मुश्किल नहीं है। इसमें स्टूडेंट इसको मैं एक बार फिर से आपको लिख दूं कि ये इसमें मैग्नीट्यूड कैसे ले रहे हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं स्टूडेंट। तो मैं एक बार नीट एंड क्लीन आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट कैसे होगा, बेसिकली ये क्या है, पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट आपको पता है ना, पी क्यू का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड एक ही होगा, मैग्नीट्यूड बात हो रही तो एक ही मैग्नीट्यूड होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर बताया, नेगेटिव वेक्टर दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, क्या होता है मैग्नीट्यूड एक ही होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। और यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, टू मॉड ऑफ पी एन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू और cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा स्टूडेंट कितना होता है, मैंने आपको ये बात बताई हुई है, cos 180 माइनस थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने ये नोट कराया कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो स्टूडेंट यहां से माइनस cos 60 हो जाएगा, ये माइनस cos 60 की वैल्यू, माइनस तो ठीक है, cos 60 की वैल्यू हाफ रख दी हमने और आंसर रेडी है। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट बहुत आसान है, एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पूरी फिजिक्स मैं आपको क्लियर करने वाला। ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट एससी वर्मा साहब की बुक से है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। अगर आपने फिजिक्स पढ़नी है तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से ही पढ़नी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ना स्टूडेंट, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक एक बात क्लियर हो जाएगी, मैं क्लियर, बेसिकली स्टूडेंट फिजिक्स की ये सब बुक पढ़ने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत चाहिए, जो एक एक बात आपको क्लियर कर पाए, क्योंकि ये दोनों ही बुक मैथमेटिकली लिखे गए हैं, मैथमेटिकली लिखे गए हैं, इसमें फिजिक्स जैसी चीज कम है, मैथमेटिक्स ज्यादा है, तो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ओके थैंक यू।